हेलो गाइस, मैं हूँ राजा जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजा जाफरी आरजे, जहाँ पर हम सीखते हैं एडवांस प्रोफेशनल स्टाइलिंग। गाइस, हमेशा की तरह आज भी हम एक और न्यू स्टाइल सीखेंगे। इस स्टाइल को बनाने के लिए गाइस हम बालों को आयरन करेंगे, उसके बाद ये एक साइड पार्टिंग करना है हमें। साइड पार्टिंग करने के बाद एक अराउंड 2 इंचेस और 1.5 इंच सेक्शन लेना है साइड की तरफ, और इसको हम अभी क्लिप कर देंगे और अनदर साइड भी सेम रहेगा। उसके बाद ये हम क्राउन पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल सेक्शन लेंगे, जिसको थोड़ा बहुत बैक कॉम करने के बाद हम थोड़ा हाइट देंगे ऊपर, और इन सब बालों को एक पोनी बनाना है ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर। ये पोनी बनाने के बाद थोड़ा स्प्रे करेंगे और कॉम से उसको सेट कर देंगे, जो भी शॉर्ट हेयर्स है। अब इन बालों को बैक कॉम करेंगे। फाइन फाइन सेक्शंस के साथ बैककॉम करना है, और ये हाइट और ये पफ आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जितना आपको इसे अगर ज़्यादा चाहिए तो आप बना सकते हैं। बैककॉम करने के बाद थोड़ा सा हेयर स्प्रे भी करेंगे और ये बैककॉम कंप्लीट है हमारा अभी, और जुड़ा पिन के साथ उसको रोक देंगे इधर, थोड़ा स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक डोनट है और एक राउंड स्टफिंग है, उसको जुड़ा पिन के साथ हम अटैच कर लेंगे और पुनी के नीचे सेट करेंगे उसको, जुड़ा पिन के साथ और पॉप पिन के साथ भी कर सकते हैं। एक स्मॉल सेक्शन लेंगे इस पुनी से भी, और उसको थोड़ा बैक कॉम करने के बाद इस स्टफिंग को कवर अप करेंगे हम स्प्रे करेंगे थोड़ा बैक कॉम करने के बाद, और स्प्रेड कर देंगे पूरे स्टफिंग के ऊपर, और स्प्रे करके उसको ड्राई होने देंगे, और सारे बालों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद जूड़ा या बॉब पिन के साथ पिनअप कर देंगे। एंड्स को अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। अब हम आते हैं फ्रंट साइड की तरफ। और इस जो हमारी नॉर्मल पार्टिंग थी फ्रंट साइड में, उसको हम जिगजैग पार्टिंग में चेंज करेंगे, और ये 2 इंच के बाद जिगजैग में पॉइंट्स दिए हैं पार्टिंग में, वहीं पर से उसको ऊपर की तरफ पुल करना है, उठाना है, और स्प्रे करने के बाद अच्छे से शेप अप करेंगे, नीट बनाएंगे उसको। जब ड्राई हो जाए तो उसको बाहर की तरफ पुल करेंगे, जो लाइन जहाँ पे आ रही है उसको वहीं पर शेप अप करेंगे, उसको वहीं पर सेट करेंगे हम।
स्प्रे करना है, उसके बाद फिनिशिंग देना है। जैसे हमारे थ्री लाइंस आए हैं, तीनों को अच्छे से शेप अप करेंगे। अभी आप साइड से देखेंगे, ये हमारे ऑल थ्री लाइंस और पोनी के ऊपर रख देंगे बची हुई क्वांटिटी को, और जुड़ा पिन के साथ उसको अटैच कर देंगे। वैसा ही दूसरी साइड भी हमें सेम टेक्निक यूज़ करना है। अच्छे से फिनिशिंग देंगे जहाँ पे भी लगता है आपको नीड है। और स्प्रे कर देंगे, उसको सेट होने देंगे। दूसरी साइड भी सेम रहेगा। यहाँ पर हमारे दो ही लाइंस आएंगे बस, बाकी तरफ पुल करेंगे और स्प्रे के साथ उसको सेट करेंगे। सेट हो जाने के बाद इसको पुल करेंगे बाहर की तरफ। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ पुल भी कर सकते हो, और अगर क्लाइंट नहीं चाहता है उसको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ सेक्शंस नहीं चाहिए, हेयर नहीं चाहिए, तो आप उसको कम भी पुल कर सकते हो बाहर की तरफ। वैसे ही पोनी के ऊपर ये वाली क्वांटिटी भी हम रखेंगे और स्प्रे के साथ उसको भी सेट कर देंगे। और ये जो हमारे लेफ्ट साइड के हेयर्स हैं जो हमने भी काम किया है, उसको राइट साइड में टक करना है और स्प्रे के साथ सेट करेंगे। और राइट साइड वाले बालों की जो रेस्ट लेंथ है, एंड्स हैं, उनको हम लेफ्ट साइड में जाके पिन अप करेंगे। और अब हम जो हमारी पोनी है उसके ऊपर, पोनी थी उससे जो वर्क कर रहे हैं, ये एक पुलिंग टेक्निक है। ये भी बोट लीव्स हम क्रिएट करेंगे इधर, और जुड़ा पिन के साथ उसको भी रोकेंगे। और जैसे ही पॉइंट लीफ का नैरो होता है, वहाँ पर हम जुड़ा पिन से उसको पिन अप कर देंगे और थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, सेट हो जाने देंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट लीफ बनाएंगे हम, ये आप देख रहे हैं, बाहर की तरफ पुल करना है दोनों साइड से। और ड्राई हो जाने के बाद उसको हम नीचे की तरफ पिनअप कर देंगे। जुड़ा पिन लगाने के बाद उसको फिर एक बार थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे हम। और इवनली क्वांटिटी आपको हर एक सेक्शन में लेना है, एक बराबर। बाहर की तरफ पुल करना है। आप ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, मगर आप नेक्स्ट सेक्शन और देखेंगे उनमें आपको क्लियरली दिखाई देगा। उसको थोड़ा ड्राई होने देंगे और जुड़ा पिन से रोक देंगे उसको, और उसके ऊपर भी थोड़ा स्प्रे करेंगे।
ये आप देख सकते हैं, जिस जितना भी आपको उसको फैलाना है, जितना ब्रॉड बनाना चाहते हो, उतना ही हम जूड़ा पिन के साथ उसको फैला के पिनअप कर सकते हैं। और जब हम लीफ बनाते हैं तभी भी हम उसको ब्रॉड कर सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं। तो गाइस, मैं फिर एक बार उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर किया और मेरे काम को पसंद किया। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दो पत्तियों के बीच जो एक गैप है गाइस, वहाँ पर हमें हर एक लीफ को रखना है। जुड़ा पिन से उसको रोक देंगे। ये आप देख सकते हैं बाहर की तरफ किस तरह से हमें उसको पुल करना है। और स्प्रे करने के बाद उसको फिनिशिंग देना है। ड्राई हो जाने के बाद उसको हम जूड़ा पिन के साथ पिनअप कर देंगे और थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रे भी करेंगे। जहाँ पर आपको उसको रोकना है, जो शेप देना है, वैसा ही टर्न करने के बाद जूड़ा पिन को और पिनअप करने के बाद स्प्रे कर देंगे ताकि वो वहीं पर सेट हो जाए। कुछ ऐसा दिखने वाला है स्टाइल। ये आप देख सकते हैं क्लियरली नजर आ रहा है सभी। ये हम सभी लीव्स को एक बराबर भी बना सकते हैं और हमने शॉर्ट से शुरू किया है, हम थोड़ा उसको लार्ज करते जा रहे हैं साइड की तरफ। राइट साइड जो आ रहे हैं हम उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं उसके साइज़ को। और अगर चाहते हैं तो एक बराबर लीफ के साथ भी हम काम कर सकते हैं। आप उसको जूड़ा पिन से भी रोक सकते हैं, इनविजिबल पिन से भी रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं स्प्रे करने के बाद जो भी शॉर्ट्स हेयर होते हैं और अनइवन हेयर्स होते हैं उन सबको हम इवन बनाएंगे, लीफ को शेप अप करेंगे, फिनिशिंग देंगे और उसके बाद टक कर देंगे पिंस के साथ। और ये हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है अभी। वही टेक्निक हर
दो लीव्स के बीच में एक लीफ रखना है, वैसे पूरा एरिया कवर अप करना है हमें, ताकि वो एक डिज़ाइन हो सके अच्छे से। ये आप देख रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहा है सब। ड्राई हो जाने के बाद उसको हम पिनअप करेंगे, ये आप देख रहे हैं। गाइस, अगर ये स्टाइल आपको अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सॉफ्ट फिंगर टिप के साथ काम करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशरफुली नहीं उसको बाहर की तरफ खींचना है। बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ वर्क करना है जो भी है सब। सो गाइस, ही स्टाइलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और ये था हमारा आज का स्टाइल। गाइस, ही स्टाइलिंग कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें। हम फिर हाज़िर होंगे एक और नए ही स्टाइल के साथ, तब तक अपना ही ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।